दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का जो एग्जाम है, 2 जुलाई का टाइपिंग टेस्ट, उसके रोल नंबर वेबसाइट पे अपलोड किए जा चुके हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने उस रोल नंबर को डाउनलोड भी कर लिया होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी हैं, जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, मेरा नाम देव अनेजा है और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस क्या है इसको समझ लेते हैं हम जल्दी से, ताकि हमें एग्जाम में किसी भी तरह का चैलेंज ना आए, कि हमारे से कोई भी इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो मिस ना हो जाए। तो एक-एक करके हम इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, जो पहली इंस्ट्रक्शंस क्या है, पहली इंस्ट्रक्शन यही है कि आप सभी इंस्ट्रक्शन को बड़े केयरफुली रीड आउट कर लें, समझ लें, ठीक है। और दे मस्ट केयरफुली चेक, यानी कि आपको केयरफुली आपके जो पर्टिकुलर्स हैं, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर, पोस्ट, टेस्ट डिटेल एटसेट्रा, जो भी है, आप एडमिट कार्ड पे और कंफर्मेशन पेज पे उसको अच्छे से चेक कर लें। कैंडिडेट्स क्या क्या चीजें आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जानी है, सबसे पहली चीज है एडमिट कार्ड। उसके साथ आप एक सेल्फ डेक्लेरेशन फॉर्म, सेल्फ डेक्लेरेशन यानी कि अंडरटेकिंग जो है, एनटीए की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसको आपने क्लियर प्रिंट आउट A4 साइज पे आपने उसके साथ लगा के उसको सही से भर के आपने लेके जाना है। 2 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए होंगी, कलर, जो एक एडमिट कार्ड पे और एक अटेंडेंस शीट पे लगेगी। ओरिजिनल आपका वैलिड आईडी प्रूफ, वो कोई भी हो सकता है, आपको पता है जितने भी वैलिड आईडी प्रूफ होते हैं, जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, जो भी बहुत सारे इसमें मेंशन किए हुए, आप उसमें से कोई भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज जिसके बारे में सभी स्टूडेंट्स को डाउट था कि पेपर जो होगा वो स्क्रीन टू स्क्रीन होगा या फिर पेज टू स्क्रीन होगा, क्योंकि पेज टू स्क्रीन स्पीड कम आती है और स्क्रीन टू स्क्रीन स्पीड ज्यादा आती है। और पिछली बार जो हो रहे थे एग्जाम, वो पेपर टू स्क्रीन हो रहे थे और उम्मीद भी यही लगाई जा रही थी कि पेपर जो है वो पेपर टू स्क्रीन ही होगा टाइपिंग टेस्ट। लेकिन अब आपके लिए खुशी की बात है कि आपको स्क्रीन टू स्क्रीन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने पेपर टू स्क्रीन बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी और स्क्रीन टू स्क्रीन भी की होगी, तो उनकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ के आने वाली है जो अभी तक उनकी आ रही होगी। और टाइपिंग टेस्ट का जो फार्मूला है, काउंटिंग ऑफ स्ट्रोक, वो है कि आपकी जो एवरेज 5 कीज हैं इंक्लूडिंग स्पेस, तो उसको एक वर्ड मान के हम चल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है जो आपकी स्पीड कैलकुलेट करने का करेक्टर, द क्राइटेरियन ऑफ करेक्ट स्पीकर्स विद स्पेस फॉर कैलकुलेटिंग द टाइपिंग स्पीड विल बी अडॉप्टेड एंड टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स परमिसिबल विल बी 3%। वो तो जो आपका टोटल हो जाएगा 5 कीज के हिसाब से इंक्लूडिंग स्पेस, और उसमें आप 3% जो आपकी मिस्टेक है वो आपको रिलैक्सेशन जो दी गई है। उसके बाद है कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ऑन ब्लू ब्लैक, यानी कि जो आप पेन लेके जाएंगे ब्लू या ब्लैक कलर का, पेपर में आपको जो जरूरत पड़ेगी आपको कहीं मार्किंग करने के लिए। और लास्ट में एक इंस्ट्रक्शन ये भी है कि आपका जो पेन है वो पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एडमिट कार्ड इश्यूड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू हिज, ये तो ये है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल होगा फाइनल स्टेज पे, जो भी आगे जाके, तो उसी पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ये जो रोल नंबर स्लिप आपको दी गई है ये प्रोविजनल है, ठीक है। और उसके बाद है इफ इट इज फाउंड दैट ए कैंडिडेट हैज फर्निश्ड एनी फॉल्स, यानी कि आपने कोई भी अगर गलत इंफॉर्मेशन या सूचना जो भी आपने फॉर्म भरते हुए है वो अगर गलत दी है, तो आपका पेपर कैंसिल किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है, पोस्ट अपॉइंटमेंट स्टेज पे भी किया जा सकता है। और नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपियर एट द एग्जाम सेंटर ऑन द डेट एंड टाइम अदर देन, यानी कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने बैच को चेंज नहीं कर पाएंगे, जो आपको अलाउ किया गया है जिस टाइम पे आपके एडमिट कार्ड पे, आपको तभी एग्जाम आप दे पाएंगे। और इवेल्यूशन स्कीम फॉर टाइपिंग टेस्ट इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पे एक आरटीआई, उसके बाद आरटीआई डिस्क्लोजर्स के कॉलम पे जाके सीरियल नंबर 22 पे आपको इस स्कीम को, जो इवेल्यूशन स्कीम है कि आपके टाइपिंग की स्पीड वगैरह, गलतियां कैसे काउंट होंगी, आपको उसमें जाके बताया हुआ है, उस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। और जैसे कि COVID-19 का आपको पता है कि उसको फॉलो करना पड़ता है उसकी इंस्ट्रक्शन को, तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और
नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट, जब गेट क्लोज हो जाएगा टाइम उसका जो आपको दिया है, उसके बाद आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपकी एंट्री नहीं की जाएगी। और जो भी आपको नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जाम, यानी कि आपका जो एग्जाम खत्म हो जाएगा उससे पहले आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब पेपर खत्म हो जाएगा तो आप वेट करें कि इनविजिलेटर आपको क्या इंस्ट्रक्शन देता है, उसी के बाद आप अपनी सीट छोड़ सकते हैं। उसके बाद है 14 पे, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइजरी फॉर कोविड-19। तो ये तो वही चीज है कि आप अपनी जो भी आपकी एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस है और कोविड-19 की जो आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है उसका आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है वो तो उसमें बताया गया है, उसके बाद की एक पे पहला पेज कौन सा है आपका एडमिट कार्ड, और उसके बाद दूसरा पेज कौन सा है, और पेज 3 हैज डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, और पेज 4 जो है एडवाइजरी है कैंडिडेट्स के लिए रिगार्डिंग कोविड-19। तो कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड ऑल 4 पेजेस, ये आपको चारों पेजेस डाउनलोड करके आपको पढ़ लेने, उसमें एडमिट कार्ड है आपका और उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन होगी कोविड-19 वाला होगा, और ये 3-4 जो चीजें हैं आप इसको डाउनलोड कर लें। और एडमिट कार्ड प्रोविजनल है जैसा कि पहले आ चुका है इसमें, और आप अपनी लोकेशन पहले वेरीफाई कर लें जहां आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, कितना आपको समय लगेगा, कितनी दूरी से आप आ रहे हैं, उसमें आप 1 घंटे का कम से कम मार्जिन लेके चलें। और उसके बाद है इफ रिलीजियन पब्लिक कस्टम रिक्वायर यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट सेंटर अर्ली फॉर थोरो चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग। ये इसलिए है कि जैसे कुछ धर्म के लोगों की मतलब ये कहें कि एक वेशभूषा थोड़ा अलग हो सकती है कि उनको वो पहनना ही होता है, तो वो थोड़ा जल्दी आए ताकि उनको वो चेकिंग करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद है इफ उसके बाद नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड एंटर द एग्जाम सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग वैलिड। ये तो जो भी सारी चीजें हैं आपको किसी भी परिस्थिति में अगर आप वो नहीं लेके जाते हैं, कोई भी चीज मिस हो जाती है आपसे ले जानी, तो आपको फिर एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। उसके बाद है कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इन टू द एग्जाम वेन्यू, यानी कि आपको अपने साथ एग्जाम सेंटर के अंदर क्या क्या चीजें ले जाना अलाउड होगा, आपका खुद का मास्क हो सकता है और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, यानी कि वाटर बॉटल भी लेके जाएंगे तो वो कोई ऐसा प्रिंट ना हो जो ट्रांसपेरेंट ना हो, और पर्सनल आप अपना हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं 50 ml इस पे लिखा है, और ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, यानी कि जो बॉल पॉइंट पेन होगा वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, ये चीजें तो आपको लेके जानी ही है। उसके बाद है एडिशनल टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो जो जो चीजें मतलब ऊपर लिखी गई हैं, और ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, जो जो चीजें ऊपर लिखी गई हैं वो आपको सारी एग्जाम सेंटर में ले जाने को अलाउ होगा, उससे अलग आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये थी जो इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इंस्ट्रक्शन में एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो है कि इवेल्यूशन स्कीम फॉर टाइपिंग टेस्ट, उसके बारे में, तो उसके बारे में ये वीडियो के बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा कि इवेल्यूशन कैसे होगा आपकी टाइपिंग टेस्ट का, जो इसमें दिया हुआ है जिस कॉलम पे उसका एक वीडियो अलग से बनाते हैं। तो आई होप कि आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होंगी, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।